हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने 11th सम्स तक कंप्लीट किया था। चलिए 12th सम के तरफ जाते हैं। 12th सम जो है वो सेल्फ स्टडी है, क्योंकि चार बॉयज है और दो गर्ल्स है, और हमें इनको ऐसे बिठाना है कि दो गर्ल्स हमेशा बाजू बाजू में है, तो ये एग्जैक्टली वोवेल्स जैसा सम हो गया। ये चार बॉयज प्लस ये दो गर्ल्स का एक बॉक्स, तो इसका मतलब टोटल पाँच है। पांच चीजों को आपस में 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं, और वो जो बॉक्स है जिसमें दो गर्ल्स है उनको आपस में 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज किया जा सकता है। तो आंसर है 120 × 2 विच इज 240। तो ये तो इधर ही खत्म हो गया, आंसर 240 है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, 13th सम। In how many different ways can the letter of the word detail be arranged in such a way that the vowels occupy only the odd position? तो ये देखिए, ये जो detail word है, इसमें total 6 letters है, so 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें से जो odd positions है वो है 1, 3 और 5, और हमारे पास vowels कितने हैं? Vowels भी 3 है। तो इसका मतलब ये जो 3 वॉवल्स है वो ये 3 जगह ऑक्यूपाई कर सकते हैं। एट वॉवल्स ऑक्यूपाई ओनली द ऑड पोजिशंस, तो 3 वॉवल्स आपस में 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज किए जा सकते हैं, और बचे हुए 3 जो है वो जो कॉन्सोनेंट्स है उनको आपस में 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज किया जा सकता है। तो इसका मतलब इसका आंसर है 6 × 6 विच इज 36। तो 36 जो है वो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। सो 13th का आंसर है नन ऑफ। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स क्लियर एवरीथिंग। इन अ बॉक्स कैरिंग 1 डजन ऑफ ऑरेंजेस, 1/3 हैव बिकम बैड। तो 1 डजन मतलब 12 ऑरेंजेस, और 12 का 1/3 हो जाएगा 4, तो इसका मतलब 12 में से 4 ऑरेंजेस खराब है, तो 12 टोटल है, 4 आर बैड, सो 8 आर गुड। सो इफ 3 ऑरेंजेस आर टेकन आउट फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 ऑरेंज आउट ऑफ द 3 ऑरेंजेस पिक्ड अप इज गुड। सो अगर हम 3 ऑरेंजेस को पिकअप करेंगे तो टोटल केसेस हमें पता ही है कि टोटल 12 है, उसमें से 3 चूज करना है, तो 12C3। अब हमारा क्वेश्चन है कि एटलीस्ट 1 इज गुड, तो एटलीस्ट 1 इज गुड में प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि या तो एक अच्छा होगा, या तो दो अच्छे होंगे, या तो तीनों के तीनों अच्छे निकलेंगे जो पिकअप किए। तो ये बहुत सारे केसेस सॉल्व करने पड़ेंगे। उससे अच्छा हम ऐसा केस सॉल्व कर सकते हैं कि कोई भी अच्छा नहीं है, और फिर 1 में से उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे जैसा पिछली बार किया था। तो ये देखिए, अपना आंसर हो जाएगा 1 माइनस एक भी अच्छा नहीं है, तो उसका फेवरेबल केस क्या होएगा? हमें पता है कि 4 खराब है, तो एक भी अच्छा नहीं है मतलब चारों में से ही 3 चूज किए हैं, और टोटल केसेस है 12 में से 3। तो ये चीज को सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनल आंसर आ जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, उन्हें ऐसा चाहिए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 ऑरेंज आउट ऑफ द 3 पिक्ड इज गुड। सो इसके लिए 1 गुड 2 गुड 3 गुड ऐसा सब अलग अलग केसेस सॉल्व करने पड़ेंगे। मैं आपको ये भी करके बता देता हूँ सिर्फ ऐसे ही। तो 1 गुड वाला हो जाएगा कि जो 8 अच्छे हैं उसमें से 1 पिकअप हुआ है, इसका मतलब जो 4 खराब है उसमें से 2 पिकअप हुए हैं, क्योंकि टोटल 3 उठाने थे, अपॉन 12C3। ये 1 गुड वाला केस है, प्लस 2 गुड है मतलब 8 में से 2 पिकअप किए हैं और 4 में से 1 पिकअप किया, अपॉन 12C3। प्लस तीनों अच्छे, इसका मतलब इसमें से ये और ये तो लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 4C0 मतलब 1 होता है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1 मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 8C3 अपॉन 12C3। सो ये सॉल्व करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, और ये सॉल्व करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। अब यहाँ पे मैंने ये वाला लिया है 1 गुड 2 गुड एंड 3 गुड, और यहाँ पे मैंने ले लिया है 3 बैड, या ऐसा बोल सकते हैं 0 गुड। तो एक ही चीज होता है, 1 माइनस 0 गुड इज सेम एज एटलीस्ट 1 गुड। ठीक है, तो इसे सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये ट्रिक नहीं समझ रहा है
तो आप इसे नॉर्मली सॉल्व कर लीजिए, बस इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा ये सबको सॉल्व करने के लिए। चलिए ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटर्स ऑफ द वर्ड डायरेक्टर अरेंज इन सच अ वे दैट ऑल द वॉवल्स आर टुगेदर, फाइंड आउट द टोटल नंबर। ये आपका सेल्फ स्टडी है, 16th वाला है। अ बॉक्स कंटेन्स 5 ग्रीन, 5 ग्रीन कलर के, 4 येलो कलर के और 3 व्हाइट मार्बल्स है। 3 मार्बल्स ड्रॉ किए हैं रैंडमली। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर नॉट ऑफ द सेम कलर। नॉट ऑफ द सेम कलर के लिए एक ग्रीन पिकअप करना पड़ेगा, एक येलो और एक व्हाइट पिकअप करना पड़ेगा। उन्होंने ऐसा बोला है कि तीनों सेम कलर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर नॉट ऑफ द सेम कलर। ठीक है, मैं वापस आपको क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में है कि 5 ग्रीन बॉल है, 4 येलो बॉल है और 3 व्हाइट बॉल है। इसमें से आपको 3 बॉल्स पिकअप करने हैं रैंडमली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर नॉट ऑफ द सेम कलर। नॉट ऑफ द सेम कलर मतलब डिफरेंट कलर के होने चाहिए। तो अच्छा एक सेकेंड, नॉट ऑफ द सेम कलर जरूरी नहीं है कि डिफरेंट कलर होना चाहिए। चलिए हम क्या करेंगे, दो तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, दोनों में से एक राइट तरीका होगा, क्योंकि नॉट सेम इज डिफरेंट, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे, तो मैं वो क्लियर कर देता हूँ, इसे सॉल्व करने पे पता चल जाएगा, आंसर से पता चले। तो मान लेते हैं फिलहाल कि इसी को सॉल्व करना है, तो 3 बॉल को सिलेक्ट करना है। टोटल कितने बॉल्स है, 5, 4, 3, 9 और 3, 12। तो 12 में से आपको 3 सिलेक्ट करने हैं, तो टोटल केसेस ऑब्वियसली हो जाएंगे 12C3। ठीक है, अब इसमें एक ग्रीन लेना है मुझे, तो 5 में से एक लेना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय एक। अगर येलो लेना है तो 4 में से एक येलो, और एक अगर वाइट लेना है तो 3 में से एक वाइट। अब इसे सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। सो क्योंकि हर एक का एक एक बॉल सिलेक्ट किया है मैंने, तो 5C1 आप सॉल्व करेंगे तो आपको 5 मिलेगा, 4C1 4 मिलेगा और 3C1 3 मिलेगा। 12C3 के लिए हो जाएगा, मैं रफ में यहाँ पे कर देता हूँ, 12 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 12 × 10 × 11 × 9 फैक्टोरियल, जो नीचे वाले 9 फैक्टोरियल के साथ कट हो जाएगा, और ये बचेगा 3 × 2 × 1। तो 3 2 जा होता है 6 और 6 2 जा 12, तो यहाँ पे 2 लिख लिया, ये और ये कट कर दिया। 10 × 11 करेंगे तो 110 × 2 करेंगे तो 220। तो नीचे आ गया है 220 और ऊपर बचा है 5 4 जा 20, 23 जा 60, तो 60/220। तो 0 0 कट, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 11। सो मुझे आंसर मिल रहा है 3/11, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, अब ये दूसरा मेथड बता देता हूँ, क्योंकि मैंने ये कंसीडर किया कि वो डिफरेंट कलर के हैं। यहाँ पे उन्होंने ऐसा डिफरेंट वर्ड यूज नहीं किया, नॉट सेम कलर। तो अब हम इसे दूसरे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो मान लेते कि वो सेम कलर के हैं, और फिर उसे 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 1 माइनस दे आर ऑफ सेम कलर। तो दे आर ऑफ सेम कलर में भी 3 पॉसिबिलिटीज है। तो नीचे तो 5 + 4 + 3 12 ही होने वाला है, और ऊपर मान लेते हैं कि सबके सब ग्रीन कलर के हैं, तो वो हो जाएगा 5C3 + सबके सब येलो है तो 4C3 और सबके सब वाइट है तो 3C3। तो ये वाला मैंने ले लिया है सेम कलर, तो तीनों के तीनों ग्रीन है, या तो तीनों के तीनों येलो है, या तो तीनों के तीनों व्हाइट। देखते हैं इसका आंसर मैच होता है क्या ऑप्शंस में। तो 5C3 सॉल्व करेंगे तो 5 × 4 = 20 मिलेगा, आई गेस, एक बार चेक कर लेता हूँ। 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल, तो एक्चुअली 29 10 मिलेगा।